नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा कर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उसने कहा कि कोई एक त्रिभुज है, वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। हम मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी परिमिति दी है 60 सेंटीमीटर। परिमिति का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं या बाहर की भुजाओं का योग। तो त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग कितना है? 60 सेंटीमीटर। तथा कर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण यहां पर दिया है 26 सेंटीमीटर। इस भुजा को हम मान लेते हैं एक्स, इस भुजा को मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब यहां पर कर्ण दिया गया तो हम लिख देंगे कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। परिमिति यहां पर हमें दी गई है, परिमिति बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब त्रिभुज की परिमिति है यानी तीनों भुजाओं का योग है। तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी है एक्स, बी सी है वाई और सी ए है 26 बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 26 यानी x प्लस वाई बराबर यहां पर बचेगा 4 और यहां पर बचेगा 3, 34 हो जाएगा। यानी x और y मिला के दोनों भुजाएं कितनी है? 34। अब हम इसी में पाइथागोरस प्रमेय और लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ये हमने लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा है 26, तो 26 का स्क्वायर, आधार है वाई तो वाई का स्क्वायर, और लंब है एक्स तो एक्स का स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, यहां पर हमको x प्लस वाई की वैल्यू मिली थी, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमने यहां पर सूत्र लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है? 676 नहीं, x प्लस वाई कितनी है? 34। तो यहां पर 34 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मिला के कितना है? 676 प्लस 2xy जीव का जू। अब 34 का स्क्वायर जब निकालेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं 34 और 34, 4 चौको 16, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 1 25, 3 त्रिक 9 दू 11। तो 1156 बराबर 676 प्लस 2xy। अब 676 यहां आ जाएगा, तो 1156 माइनस 676 बराबर 2xy। माइनस कर देंगे, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 7 गए 8 और 10 में से 6 गए 4 बराबर 2xy। यानी xy में लाके कितना हो जाएगा? 240, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो xy की वैल्यू यहां पर निकल के आ गई 240। अब हम लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा लंब, या लंब गुणा आधार। तो 1/2 एक्स गुणा वाई, एक्स वाई की वैल्यू है 240, तो 1/2 गुणा 240 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमें इस तरीके से लगाना था कि जो जो हमें उसने दिया था
इस प्रश्न में पहले तो हमने परिमिति से x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर सूत्र लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें इससे एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ गई 240। अब हमने लगा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।